निकाल लेते हैं और इनको चिपक लेंगे इनको। ये रूटीन को खींच लिया है, इनको बांध लेते हैं फिर दिखाते हैं हम बनाएंगे और कितनी अच्छे से सीख रही है। नमस्कार दोस्तों, विलेज लव कपल ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेला। और ये मेला वो वाला मेला नहीं होता जिसमें झूले वगैरह लगते हैं, ये मेला होता है हमारे मेल मिलाप का मेला, यानी कि इस मेले में हम दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम करते हैं और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, सब लोग बिजी हो गए हैं अपने अपने कामों में, तो हम लोग साल में एक बार ये कार्यक्रम करते हैं जिससे सभी रिश्तेदार आपस में मेल मिलाप कर लें। तो आप देखिएगा हम आगे कैसे कैसे दाल बाटी बनाते हैं और कैसे प्रोग्राम करते हैं। बनने के लिए इसका चूरमा बोलते हैं रोटी का, उसके लिए देखो रोटी बन चुकी है, रोटी बन रही है, देखो कलैया में इधर रोटी बन भी रही है और चूल्हे पर। और इसको दोस्तों नैना करेंगे, इसको चलने के साथ आज इसको चलने के साथ इसको रगड़ेंगे अच्छे से, हमने देखा कि हमने रोटियां बना रहे थे और ये रोटियां ना इसको रवा मिला के आटे में, क्योंकि आटे में रवा मिला के बनाते हैं तब बनता है, रवा अच्छी मात्रा में मिलाते हैं तो अच्छा चूरमा के लड्डू बनते हैं। तो हमने इनको तोड़ लिया है, अब तोड़ के हम इनको ऐसे इनको बारीक कर रहे हैं, इसको छलनी की सहायता से गाँव में ऐसे किया जाता है। हम इसको पूरा कर लेते हैं और आपको मिलते हैं फिर दोस्तों। जब घिसने के बाद जो ऐसा हो जाएगा, ऐसा निकाल के इसको निकाल के दोस्तों अलग रखते जाएंगे। तो ये देखिए इतना हो गया है, इसको निकाल लेते हैं अभी। और हमने इतना सारा घिस लिया है, बारीक कर ली इतनी सारी, और भी कर लेंगे, इतनी सारी हो गई हैं। देखिए दोस्तों इसको घिस लिया है इतना सारा, इतनी सारी रोटियाँ किस ली हैं। और ये देखिए आप देख पा रहे हो, ये इतना सारा खोपड़ा और किशमिश है, ये इसमें डालेंगे और अभी देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे पास, देखिए इसमें हम डाल रहे हैं और कुछ डाल दिया है पहले से, और इसको मिलाएंगे और शक्कर भी डालेंगे, शक्कर पीस ली तो है, इसमें शक्कर डालना है हम दोस्तों, इसमें शक्कर पीस ली थी, शक्कर पीस के डाल रहे हैं इसमें। हाँ लड्डू, जो लड्डू अच्छे बनेंगे पीस के शक्कर डालेंगे तो। अब इसको मिला लेंगे शक्कर को अच्छे से, ये घी है इसमें घी डालना है हम, बस इतना काफी है दोस्तों इसमें के लिए। इसमें हमने आधा किलो से ज़्यादा घी डाल दिया है, और हमारे यहाँ चूरमा के लड्डू ऐसे ही बनाए जाते हैं, आपके यहाँ कैसे बनाए जाते हैं आप कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अभी चूरमा के लड्डू देखो बनने लगे हैं, ऐसे बनते हैं, बन बन के इस तसल में रखते जा रहे हैं। लड्डू को बनाने के बाद अब हम दाल बनाएंगे और बाटियां बनाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों इसमें हम बाटियों के लिए आटा मार रहे हैं, हमने इसमें रवा डाल दिया है पहले और फिर आटा छान रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे, देखिए दोस्तों अब इसमें हम बेसन डाल लेंगे, आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरत होगा उतना डाल लेंगे, इससे क्या होगा ना बेसन डालने से ये ना टेस्टी बनेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक नमक, नमक है ये लाए नहीं बस अभी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा इसमें, और इसको मिलाते हैं इसको आटे, थोड़ा सा घी डाल लेंगे इसमें, डाल दिया है, इसको मार लेते हैं,
दोस्तों जब तक ये बाटी बन रही है और हमारे यहाँ पे क्या पूजा करने के लिए जाना पड़ता है, तो मैंने नारियल और बतासे ले लिए, तो मैं माता पे पूजा करने के लिए जा रहा हूँ जब तक ये खाना। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ माँ के दरबार में। यह है हमारे गांव की बंजारी माता का मंदिर है। यह दोस्तों बहुत प्राचीन मंदिर है, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। और जैसा कि मेरे ऊपर आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे घंटियाँ, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, और जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह छोटा सा घंटा मंदिर पर चढ़ा जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों बहुत प्राचीन मंदिर है। और जिसका दोस्तों बहुत बड़ा काम होता है वो बड़ा वाला घंटा चढ़ाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दोस्तों मैं इसको बजा के ही दिखाता हूँ। देखो दोस्तों कितने सुंदर धुनि निकलती है। देखो दोस्तों एक और बजाता हूँ मैं। के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, दिख रहे होंगे, क्योंकि आज माता का मेला है तो यहाँ पर पूरे लोग एकत्रित होंगे। और चलते हैं हम घर की ओर। हम माता से घर आ गए हैं और देखते हैं क्या बनना है अंदर। देखो दोस्तों बनना ही है ककड़ियाँ, बाटियाँ। तो दोस्तों हम बाटियों को बना रहे हैं, देखो कितनी सारी बाटियाँ बना ली हैं, और हम सब लोग मिलके बना रहे हैं। जल्दी बनी चली तो हम बना के आपको दिखाएंगे। देखो दोस्तों ये इतनी बन चुकी हैं, और बारह हमने आग भी तैयार कर ली है इनको सेकने के लिए। इनको पूरी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा आगे, और दाल भी हमने चढ़ा रखी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दाल कैसे चढ़ाई है। दोस्तों दाल के लिए पानी रख दिया है, देखो दाल के लिए पानी भी गर्म हो रहा है, और हमने दाल ले ली है, देखो इतनी सारी दाल ले ली है। इसको दाल को इसमें डालेंगे, आग भी तैयार हो चुकी है दोस्तों, गवैया इसको सेकेंगे हम। दोस्तों पानी अच्छे तेज गर्म हो गया है, देखो इसमें अब दाल डाले देते हैं। और ये दाल है ना हमने इसमें तेल से मूल ली है, इसको मूना बोलते हैं, जिससे ना अच्छे से ये गल जाएगी। दोस्तों दाल डल चुकी है, उसमें दाल की हंडी है, उसमें इसको बाबे से ढक देंगे दाल डालने के बाद। ये ढक दिया, देखिए इसमें दाल बन गई है, सारी इधर रोटी बन रही है दोस्तों चूल्हे पर, और इधर हमारे रिश्तेदार भी आ गए खाना खाने के लिए। देखो कितने सारे रिश्तेदार आ गए हैं, और भी आने वाले हैं दोस्तों, कुछ उधर बैठे हैं हमारे दूसरे आंगन में, और हमारा लगभग सब खाना कंप्लीट हो चुका है। इधर रोटी भी बन रही है, देखो चूल्हे पर बस तो दाल बाटी चूरमा बन गया है और रोटियां भी बन रही हैं। आपको पूरा दोस्त दिखाएंगे क्या क्या बनाया हमने, बने रहे दोस्तों ब्लॉग में। देखो इसको डाल लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी पटा पलटना पड़ता है दोस्तों, नहीं जल जाएंगे ये। देखो इनको पटा पलट लेता हूँ, और दोस्तों आँच भी लगती है क्योंकि आग जो कंडी की आग है बहुत तेज होती है। इसको अच्छे से झटसे पलट लेते हैं, मैं पलट के आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें झटसे पलट लेते हैं। आँच से ऐसे कर और बस तोड़ी और पकेंगी, फिर पूरी पक जाएंगी, फिर उनको हम घी लगाएंगे इनमें। तो ये बन गई हैं बाटियाँ, कितनी खस्ता और अच्छे सिक गई हैं बाटियाँ, और इनको अभी हम घी में निकालेंगे, वो भी आप देखना। तो अभी थोड़ा सा घी निकाल लेते हैं और इनको चिपल लेंगे इनको।
से निकाल दिया आपने। और ऐसे ही हम सारी चिपक लेते हैं। तो ये हमने घी में से इनको निकाल लिया है और ये आधे कुछ हम घी में से तल के निकालेंगे और ये हमने ऐसे ही निकाली है डोब डोब के घी में। तो दोस्तों आ जाइए, अब खाना कंप्लीट हो चुका है आपके लिए। दोस्तों मैंने थाली लगा रखी है, देखो दोस्तों लड्डू बने हैं, बाटिया भी बनेंगे, दाल रोटी। दोस्तों आप खा के बताइए कैसा लगा है। तो दोस्तों मैं भी आपको खा के बताता हूँ दोस्तों ये खाना कैसा बना हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छा बना है दोस्तों, मैं आपको लड्डू भी चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों कैसा बना है लड्डू। दोस्तों चूड़मा के लड्डू हैं, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ। तो दोस्तों यह ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग में, बाय।